हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग बोल रहे थे कि कंटिन्यू व्लॉग डालो, तो कंटिन्यू का यार ये था कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ और क्या नहीं, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ। और पता है दूसरी बात ये, अब शायद परसों मैं घर जाऊँगी नोएडा, भाई का बर्थडे है। देखो यार, भेज हो रही थी, कपड़े बहुत सारे हो रहे थे मेरे, और अभी लगी पड़ी हूँ। टाइम हो 11 बज गई करते करते, और बच्चे भी स्कूल से आ गए आज अभी, और अभी का एग्ज़ाम था तो इसलिए वो भी जल्दी आ गए 11 बजे। देखो यार, परसों तो मैं इस टाइम तक शायद निकल जाऊँगी अपने घर, देखते हैं वहाँ का। आ चुका है स्कूल से, अभी आप आ गए ना स्कूल से। आज क्या बता रहे थे आप, मुझे बताना। टूटू टूटू, ये क्या होता है, क्या है ये टूटू? बाबा की कच्ची पटरी थी और कच्चा भी। अच्छा, और पेपर कैसा गया आपका? अच्छा। अच्छा, कितना अच्छा? 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर, मेरी कसम, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं तो है। आपके कितने आए अवनी? 20 में से 20 आए है? नहीं, 20 में से 0 नंबर। ये तो 20 में से 0 बोल रहा है, 20 में से 0 ही है। अभी अपने दांत दिखाना है सबको। और देखिए मेरे दांत टूट गए। ई कर दो, ई ऐसे। तो भाई बहुत बड़ा कार्टून है, और मेरी जॉन है, और मम्मी मेरी सुंदर है। अच्छा, कोई गाना तो सुना दो ना अच्छा सा अपनी मम्मी के लिए। लल्ला लल्ला लोरी, आग में लगी चोरी, हरियाणे में गुड़िया चली, ज्यादा सकती होली। सावनी के पास झोला, कौन सा झोला? टॉफी मोला। अच्छा ये बताओ, मामा के बर्थडे में जाना है? हाँ जाना है। और तेरे पापा तो भेज ही न रहे हमें, तो हम रात में जा रहे हैं ना। हाँ रात में जाएंगे। कितने बजे? तुम बताओ कितने बजे चले। जितने बजे पापा ड्यूटी से बिना पूछे जा, जितनी देर पापा करे ना देर, उतनी भी चले जाना। आपके पापा ने कहे कि अभी अरवनी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। एक चीज और बताओ, आपको मम्मी अच्छी लगती है पापा? मुझे सबसे अच्छी मम्मी। सच बताओ? हाँ। ए सॉक्स मुंह में नहीं लेते गंदे लड़के। अच्छा, अभी आप लोगों से कुछ बोलना चाहता है, अभी बोलो। हाय गाइस, आज का ब्लॉग नहीं और कल ब्लॉग और करेंगे। और करेंगे? तो भाई अभी कह रहा व्लॉग एंड करो, चलो चलते हैं। तो मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। तो गाइस, ये है मेरा मेकअप का सामान जिसे मैं डेली बेस भी यूज़ करती हूँ, और ये है मेरा फिट मी का फाउंडेशन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कलर शेड भी इसका बहुत अच्छा है। और ये है दूसरा फाउंडेशन, ये भी बहुत अच्छा है, लॉरियल का। और ये लैक्मे सीसी क्रीम, ये मैं डेली बेस में यूज़ करती हूँ। और ये फिट मी का कंसीलर, ये भी मैं आने जाने में ही यूज़ करती हूँ। और ये थोड़ा बड़ा जो है इन्हें मैं लगा लेती हूँ। एक चीज़ और, किसी ने मेरे ऊपर कमेंट करा है कि मेकअप की दुकान, ठीक है, मेकअप करने को भी ये चाहिए करें, और वो तेरे पास है ना, ठीक है। तो मेकअप मैं अपने पैसों का लगाऊँ, तुम्हारे पैसों का नहीं लगाती मैं, उल्टा तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग देखेगी ज़रूर, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहना ना चाहती।
तो मेकअप करने को बहन यूँ चाहिए करे और तुम्हारे पास है ना, ठीक है? तो चलो भाई अब मैं कर। तो गाइज फाइनली होगा मेरा सारा काम। आप लोग सब बोल रहे थे कि बहुत तो के कमेंट आ रहे थे कि सपना अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखाते। तो भाई फैमिली का ये है कि वो कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करते। हस्बैंड को तो बिल्कुल भी नहीं है, मम्मी पापा को मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अपने ब्लॉग में लेने की। छोटा सा देवर जब मैं शादियों का आई थी, जब सबसे पहले मैंने गोदी में यू ही लिया है, तो अभी बड़ा होगा। अभी वासु कितने साल के हो गए तुम बताओ? 10 साल के। हाँ, और वासु कौन सी क्लास में? 5th class में है ये, और पीछे स्कूल में ही जावा है। बहुत अच्छा लड़का है भाई। चला गया बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रहे हैं दोनों। अभी मैंने कपड़े धो दिए, दिखाती हूँ ये रे। तो सॉरी गाइस, मैं पी रही थी थोड़ी देर के लिए चाय और फिर मैं चली गई थी नीचे प्रेस करने। कपड़े बहुत सारे हो रहे तो ये मारे मैं नीचे चली गई। अब आई यू करके पूरे 2 घंटे में और पसीने पसीने होगी, बस आके मुंह धोया। अब बिसिकल 12 बज रहे हैं और मेरी तबीयत भी ख़राब है अभी तो 2 दिन से यार। बुखार भी हो रहा, बुखार, सिर में दर्द, नज़ला, इन्होंने मार ली मैं तो बिल्कुल। अभी बैठी हूँ बाहर छज्जे पे, ये रोमान छज्जा, बालकनी बोलते होंगे भाई तुम बहुत से, पर हम छज्जा ही बोला है। तो भाई मैं यहाँ लग चुकी थी काम करने। सबसे पहले मैंने चून मांडा, फिर उसके बाद बर्तन धोए क्योंकि बिल्कुल भी मन न कर रहा है काम करने की। तो और सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, सब्ज़ी ये होटल से ले आए थे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसीलिए मैं बना ना पाई। फिर जल्दी जल्दी काम करके मैं सो जाऊँगी। सोने पर यार ये लगा लो मुझे नींद ही नहीं आई, पूरा दिन हो गया पर मैं सोई भी नहीं थी। पर्ची 13,400 रुपए की। काहे की? 20-12 दिन की। माँ को सब? हाँ। चल चार 5,000 में ले लूँ। हाँ। 10 तारीख के लिए। अब सोने? पूरे को तो सोने यार। तो गाइस यहाँ पर हो चुका था मेरा सारा काम, किचन विचन में सारा साफ करके खाना वाना बना दिया था अभी और अवनी के लिए। मुझे भूख ही नहीं लग रही थी तो मेरा मन नहीं था खाने का, क्योंकि बुखार की वजह से ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। भी ना लग रही पर लड्डू गोपाल है उनके लिए बनाना पड़ेगा खाना, तो मैं बना दी थी भाई रोटी वोटी। तो गाइस अब मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, कल बनाएंगे नेक्स्ट व्लॉग, देखते हैं किस चीज़ का बनाएंगे। अब मेरा सारा काम होगा, ये रहा खाना, अब ये रहा अग्नि का, मेरे को तो भूख भी नहीं है। तो बाय बाय, टाटा। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।